अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या इस सीजन नेक्स्ट हमारे पास कोई अमेजिंग रिबेट या फिर परचेज गिफ्ट का इवेंट आएगा या फिर नहीं। अगर तो आएगा उसकी रिलीज डेट क्या होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो करंटली हमारे पास एक अमेजिंग रिबेट का इवेंट चल रहा है और इस सीजन अभी तक हमारे पास एक ही अमेजिंग रिबेट आया अभी तक एंड एक ही परचेज गिफ्ट का इवेंट आया। मतलब क्या है कि हमारे पास अभी सेकंड अमेजिंग रिबेट एंड सेकंड परचेज गिफ्ट आ सकते हैं, बट आएगा या नहीं उसकी कितने परसेंट चांसेस हैं एंड हमारे पास उसकी रिलीज डेट क्या होगी वो डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को ने एक चीज नोटिस की होगी लास्ट थ्री सीजन से, मतलब अभी जो अगर आप लोग देखोगे A9 रॉयल पास चल रहा है तो इस सीजन हमारे पास अभी तक एक परचेज गिफ्ट एंड एक अमेजिंग रिबेट का इवेंट आया। तो हो सकता है हमारे पास अमेजिंग रिबेट एंड परचेज गिफ्ट दोनों नेक्स्ट आ जाए। बट अगर आप लोगों ने दूसरी चीज नोटिस की होगी A8 रॉयल पास एंड A7 रॉयल पास के अंदर, तो A7 रॉयल पास में हमारे पास क्या हुआ था, दो परचेज गिफ्ट के इवेंट आए थे एंड एक अमेजिंग रिबेट का इवेंट आया था। फिर उसी चीज को पबजी ने फॉलो किया नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट हमारे पास A8 रॉयल पास के अंदर दो अमेजिंग रिबेट के इवेंट आए थे, एक परचेज गिफ्ट का इवेंट। सो इसी रूल को अगर हम लोग इस सीजन भी अप्लाई करें तो A9 रॉयल पास के अंदर जो हमारे पास करंटली रॉयल पास चल रहा है अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास अभी तक एक अमेजिंग रिबेट है एंड एक ही परचेज गिफ्ट आया। मतलब हमारे पास दोनों के चांसेस बन सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास या तो अमेजिंग रिबेट का इवेंट आएगा या फिर परचेज गिफ्ट का। बट अगर हम लोग उसी रूल को अप्लाई करें जो लास्ट दो सीजन में चला आ रहा था कि लास्ट सीजन हमारे पास दो अमेजिंग रिबेट थे, तो हो सकता है इस दफा हमारे पास दो परचेज गिफ्ट हो और एक ही अमेजिंग रिबेट का इवेंट हो। अब इसके दूसरी रूल के मुताबिक कितने परसेंट चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगर यही रूल रहा तो हो सकता है हमारे पास अब नेक्स्ट कोई भी अमेजिंग रिबेट का इवेंट ना आए बल्कि हमारे पास परचेज गिफ्ट का इवेंट आ जाए। और इसके कितने परसेंट चांसेस है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इस अमेजिंग रिबेट को देखोगे ना तो ये 31 अक्टूबर को एंड होगा और उसके बाद अगर आप लोग दूसरी चीज एक और नोटिस की होगी तो हमारे पास जो A9 रॉयल पास है वो 14 नवंबर को एंड होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट जब हमारे पास ये फर्स्ट अमेजिंग रिबेट का इवेंट एंड होगा उसके 14 दिन के बाद। अब होगा क्या कि आप लोगों को पता ही होगा अमेजिंग रिबेट का इवेंट जब भी आता है या तो 2 वीक के लिए आता है या फिर 3 वीक के लिए आता है। अगर 31 को एंड होता है, फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने जो नोटिस की होगी 31 अक्टूबर को अगर ये एंड होता है तो 31 अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल भी अमेजिंग रिबेट का इवेंट नहीं आ सकता। मतलब एक साथ दो अमेजिंग रिबेट के इवेंट तो चल ही नहीं सकते। और हमारे पास एक और चीज के 14 दिन के अंदर हमारे पास अमेजिंग रिबेट का इवेंट तो आ सकता है, बट अमेजिंग रिबेट का इवेंट तभी आता है मतलब 31 अक्टूबर को एंड हो जाता है उसके फौरन बाद ही हमारे पास अमेजिंग रिबेट आ जाए। फॉर एग्जांपल आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई उसके मुताबिक हमारे पास इस सीजन अमेजिंग रिबेट का सेकेंड इवेंट आ ही नहीं सकता। बट फिर भी अगर हम लोग कोई चांस बनाए तो उसका यही चांस हो सकता है कि हमारे पास जब ये 31 अक्टूबर को एंड हो उसके बाद कोई इवेंट आए जैसे अल्टीमेट सेट आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास जब भी अमेजिंग रिबेट का इवेंट आता है किसी ना किसी अल्टीमेट सेट के साथ आता है या फिर किसी और इवेंट वगैरह के साथ, जैसे कि इस बारी अल्टीमेट सेट के साथ नहीं आया था हमारे पास, शायद प्राइस पाथ या फिर किसी और इवेंट के साथ अमेजिंग रिबेट का इवेंट आया था। तो इसी चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये करंटली अल्टीमेट सेट चल रहा है ये 26 अक्टूबर को एंड होगा, तो मतलब 27 अक्टूबर को हमारे पास नेक्स्ट अल्टीमेट सेट आ रहा है। फिर हो सकता है उसके साथ अमेजिंग रिबेट का इवेंट आए क्योंकि अमेजिंग रिबेट का इवेंट अल्टीमेट सेट के साथ ही आता है, बट उसकी भी एक रीजन है ना आने की और वो ये है कि हमारे पास ये जो करंटली अमेजिंग रिबेट चल रहा है ये 31 अक्टूबर तक चल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को अगर आप लोग पॉइंट नोट करो, ये सारी चीजों को फोकस में रखो, तो इससे भी एक चीज यही जाहिर हो रही है कि इस सीजन हमारे पास सेकेंड अमेजिंग रिबेट का इवेंट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो पबजी मोबाइल इस दफा वही रूल अप्लाई करने वाली है जो लास्ट दो सीजन से अप्लाई कर रही थी, मतलब एक सीजन में दो परचेज गिफ्ट और एक अमेजिंग रिबेट, एक सीजन में दो हमारे पास अमेजिंग रिबेट और एक परचेज गिफ्ट। सिमिलरली इस सीजन हमारे पास दो परचेज गिफ्ट आ सकते हैं एंड एक ही अमेजिंग रिबेट आएगा जो हमारे पास आ चुका। अब फिर भी आप लोगों ने क्या करना है कि एक चीज़ लाजमी याद रखना, आप लोगों ने आरपी के मिशंस वगैरह नहीं करने। हो सकता है कि लास्ट पे जाके कोई पबजी कर जाए अमेजिंग रिबेट का इवेंट सेकंड दे दे, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके अब 100% चांसेस यही है कि सेकंड परचेज गिफ्ट का इवेंट ही आएगा, अमेजिंग रिबेट का इवेंट नहीं आएगा। परचेज गिफ्ट का इवेंट कब आएगा वो भी मैं समझा देता हूँ, बट उससे पहले जो चीज़ मैं नोटिस करने वाली अगर अनफॉर्चुनेटली बल्कि अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोलेंगे, हमारे लिए खुशखबरी ही होगी अगर सेकेंड
अमेजिंग रिबेट के इवेंट डाल दें, क्योंकि हमारे पास दो मिथिक एम्बलम आप लोगों को पता ही होगा कि हर अमेजिंग रिबेट से मिल जाते हैं 3000 यूसी स्पेंड करने पर। तो आप लोगों ने करना है क्या है कि जितने भी मिशंस है ना आप लोगों के आरपी के मिशंस, जो तो खुद ब खुद मिशंस कंप्लीट हो जाते हैं, जस्ट उन्हीं मिशंस को कंप्लीट होने देना, खुद से कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं करना। जैसे मैंने आप लोग यहां पे देखोगे ना, तो मैंने कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं किया। वैसे तो मैंने इस सीजन काफी कम गेम खेली है, उसकी एक रीजन है आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने वीडियोस वगैरह भी थोड़ा चैनल पर भी अनएक्टिव था, तो उसकी एक रीजन थी। सो इसी वजह से मैंने मिशंस वगैरह भी कोई कंप्लीट नहीं हुए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले अमेजिंग रिबेट को अभी कंप्लीट करूंगा और उसके बाद जितने भी मिशंस बचेंगे उनको मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, वैसे तो कोई भी इवेंट 31 अक्टूबर के बाद नहीं आने वाला है जिसके साथ कोई अमेजिंग रिबेट का इवेंट आए। बट जो दूसरी चीज है परचेज गिफ्ट की, परचेज गिफ्ट इस सीजन सेकंड आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके जो मुझे चांसेस लग रहे हैं वो 100% है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों। अब हमारे पास कब आ सकते हैं और वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पे अगर आप लोग देखोगे अल्टीमेट सेटी, तो ये वाला जो अल्टीमेट सेट है ये हमारे पास 26 को चला जाएगा, 27 को एक्चुअली में जाएगा सुबह 5 बजे, और 27 अक्टूबर को हमारे पास नेक्स्ट एक अल्टीमेट सेट आ रहा है, काफ़ी ओपी अल्टीमेट सेट आ रहा है, तो काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे। हो सकता है पबजी मोबाइल उसी के साथ परचेज गिफ्ट का इवेंट दे दे। एंड जो हमारे पास ये 27 को परचेज गिफ्ट का अगर इवेंट आता है, तो ये भी वाला जो इवेंट है ना ये 3 वीक तक रहेगा, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, जब फर्स्ट टाइम 2 परचेज गिफ्ट आए थे ना A7 रॉयल पास के अंदर और एक अमेजिंग रिबेट का इवेंट आया था, तो दूसरा परचेज गिफ्ट सिमिलरली इसी तरह आया था कि सीजन के एंड पे जाके उन्होंने दिया था, और जो नेक्स्ट सीजन आया था जैसे कि A7 में उन्होंने लास्ट वीक में परचेज गिफ्ट दिया, तो A8 रॉयल पास के फर्स्ट वीक में भी हमारे पास फर्स्ट 2 वीक तक भी वो जो परचेज गिफ्ट का इवेंट था वो रहा था। सिमिलरली अगर आप लोग यहां पे देखोगे ना अमेजिंग रिबेट का इवेंट, ये भी हमारे पास 3 वीक के लिए आया, तो हो सकता है नेक्स्ट परचेज गिफ्ट 3 वीक के लिए आए, 1 वीक इसमें काउंट हो जाएगा हमारे पास ये जो करंटली सीजन चल रहा है, और 2 वीक नेक्स्ट सीजन के, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सीजन A10 रॉयल पास में हमारे पास 2 अमेजिंग रिबेट के इवेंट एंड 1 परचेज गिफ्ट का इवेंट आ सकता है, जहां तक मुझे यहां पे इंफॉर्मेशन मिली है, जो आइडिया मैं लगा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो यही है। बाय द वे प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास नेक्स्ट अमेजिंग रिबेट आएगा या फिर नहीं, परचेज गिफ्ट आएगा या फिर नहीं, तो वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाय द वे प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।